हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अप्रैल की रीडिंग करने जा रही हूँ और मैंने जो एक साइन लिया है जेमिनी। जेमिनी, आपकी लव लाइफ अप्रैल माह में कैसी रहेगी? तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज, कॉल मत कीजिए, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए देखने वाली हूँ अप्रैल माह में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी ताकि उनसे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो यस, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैरिड अनमैरिड सबके लिए ओपन है ये रीडिंग, देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या रहेगी, यूनिवर्स हमें गाइड करें अप्रैल माह में। जेमिनी के जो भी पार्टनर हैं, मिथुन राशि के पार्टनर की एनर्जीज को बताइए। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोर टू रोमांस, क्या बात है। एंजल ऑफ लव एंड एन वे, ओके। और यहाँ पे सन का कार्ड है बॉटम वाला, ठीक है। तो आपके जो भी जिनसे आप डील करें वो लियो हो सकते हैं, ठीक है। इनका स्टार साइन और बताऊंगी मैं, ठीक है। ये जो है जेमिनी, आपसे ये क्लियरिटी लेना चाहते हैं, आपको कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं, क्योंकि किसी बात की सच्चाई आपके सामने आने वाली है अप्रैल माह में, ठीक है। ये आपसे एक रोमांटिक शुरुआत करना चाहते हैं और उसके बाद आपका एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। इनका जो ध्यान है आपके लव पे ही है इन दिनों, ठीक है, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा है जो अनसेटिस्फाई करता है इनको, ठीक है। पूरी तरह से कि अपनी पर्सनल लाइफ में कोई परेशान है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड, ठीक है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी है, तो आपसे रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इसलिए किसी बात की सच्चाई आपके पास आने वाली है। और ये ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई ईश्वरी देन है जो आप दोनों एक दूसरे को मिला रहे हो, ठीक है, या फिर अचानक आप एक दूसरे से मिले हो, ठीक है। तो ये रोमांटिक शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। चलिए और देखते हैं कि अप्रैल माह में इनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेगी, रिश्ते को लेकर ये जेमिनी के पार्टनर क्या सोचने वाले हैं, रिश्ते को लेकर क्या सोचेंगे। ओके, पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है रिश्ते को लेकर ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपको याद भी करते हैं और आपको ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अप्रैल माह में आपको लेकर ये क्या सोचेंगे जेमिनी के पार्टनर को लेकर, जेमिनी के पार्टनर क्या सोचेंगे जेमिनी को लेकर, आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो यस, फोर ऑफ सॉर्ड्स अपने आप को हील करने में लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग चल रही है इनके माइंड में। ये जो है अपने आप को स्टक महसूस करते हैं कि इनके ऊपर किसी का बंधन है जिसके कारण ये आ नहीं पाते, तो हील कर रहे हैं अपने आप को। इनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या होगी, इनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहते हैं, कहीं से जैसे आज़ादी पाना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी मैरिज में खुश नहीं है और ये आज़ादी पाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं सब चीज़ की कमी है, इनको प्यार नहीं मिलता, इनको पैसे की कमी लग रही है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट होकर ये आपके साथ आना चाहते हैं, कहीं से छुटकारा पा के, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है आपकी सिचुएशन। जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे नहीं मैच होगी, ठीक है। ओवरऑल आपकी लव लाइफ में इनकी तरफ से क्या होने वाला है, ये आपसे चाहते क्या है, चलिए देखते हैं। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन या फिर आपसे चाहते हैं कि जैसे आपके साथ इनको रिस्की लगता है, जीरो से तो स्टार्ट करना चाहते हैं पर रिस्की लगता है। इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट एक्शन बताइए जेमिनी के पार्टनर का। ये सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में यानी कि कन्फ्यूजन से भरे पड़े हैं, ठीक है। तो पूरी तरह कहूँ तो आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, आने का, लेकिन ये कन्फ्यूजन में है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि कोई सच्ची बात आपको बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। जेमिनी की खुद की एनर्जी बताइए इनके पार्टनर के लिए, एंजल्स क्या एनर्जीज हैं, पार्टनर के लिए क्या सोचे हैं जेमिनी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू वैल्यू एंड डोर टू स्पिरिट। देखिए, दो बहुत ही अच्छे कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी, आप क्या सोचोगे, आप कहीं ना कहीं कोई फैमिली ड्रामा झेल रहे हो, ठीक है। आप भी मैरिड हैं, ये भी मैरिड है, फोर पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप जो है घरेलू प्रॉब्लम्स से परेशान हो, कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपने दिल जो है संभाल के रखा है इस पार्टनर के लिए, ठीक है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप भी खुश नहीं लग रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक नई शुरुआत आपके करियर साइड से भी हो सकती है, या फिर जैसे कहते हैं ना, एक नई शुरुआत आप अपनी फैमिली ड्रामा को ख़त्म करके करना चाहते हैं,
हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बदलाव सा आ रहा है जिससे कि आप स्पिरिचुअल भी अवेकन हो रहे हो, ठीक है। यानी कि आप में एक बदलाव आ रहा है, आप धार्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानने लगे हो। सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, इन चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। इस तरह की वीडियो देखना शुरू करोगे तो ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका कोई ना कोई फैमिली मैटर ऐसा है जिससे आप दुखी हैं और आप भी जो है अपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल आपके लिए क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। जेमिनी के पार्टनर, जेमिनी की एनर्जी बताइए जेमिनी के पार्टनर के लिए। रिश्ते को लेकर जेमिनी आप क्या सोचोगे इस रिश्ते को लेकर? यस, आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यस, आप जो है कहीं ना कहीं किसी लव ऑफर से भागने की कोशिश कर रहे हो। आप जैसे कहते हैं किसी और को अप्रोच नहीं करना चाहते, किसी एक के लिए आपने दिल संभाला हुआ है, तो कोई सिचुएशन से निकल कर आपको ऑफ़र देना चाहते हैं जेमिनी। आप जो है अपने पार्टनर को ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं बताऊँगी आपकी फीलिंग, सॉरी, आप अपने पार्टनर को कैसे देख रहे हो जेमिनी? अपने पार्टनर को किस नज़रों से देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्स क्लैरिफाई करें। यस, ये जो आप जो है कहीं ना कहीं इनके रिजेक्शन का भी डर कर रहे हो और आप इनके लिए सोच रहे हो कि आप ये जो है अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। जेमिनी, आप जो है इनके बारे में यही सोचते हो कि ये अपने आप को बचा के चल रहे हैं, क्योंकि जो है ये इनका, आप जो है इनका वेट कर रहे हो। इसलिए चले देखते हैं कि फीलिंग्स क्या है इनकी। फोर ऑफ वॉन्स क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा लगता है कि आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके साथ खुद के साथ है, यानी कि आप मैरिड हो, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते में, वापस पार्टनरशिप, वापस लव अफेयर, जो भी है एक्स्ट्रा अफेयर है, ठीक है, ये कुछ करना चाहते हो, तो आपकी फीलिंग्स ये है कि आपने जो है अभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चेंज होगी, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। आपने डेस्टिनी पे छोड़ा है, यानी कि भाग्य पे छोड़ा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके इनसे चेंज होगी ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आपका एक्शन क्या हो सकता है देख लेते हैं इस संबंध में। जेमिनी का एक्शन बताइए। सिक्स ऑफ वॉन्स, यस, आप विक्टोरियस होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आप किसी को डिवोर्स देके इनसे शादी करना चाहते हो, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि क्या चीज़ आपके लिए सही हो सकती है, ठीक है। तो कोई सिचुएशन से निकल कर आप इनके साथ ज्वाइन होना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये जो भी पार्टनर है इनका स्टार साइन लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ कोई और भी हो तो रीडिंग मैच करेगी, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपकी, कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।